तो फ्रेंड्स, अगर आपका जो है रिट 2021 की जो 2 गुना की कट ऑफ यानी कि शॉर्ट लिस्ट जो निकली थी उसमें अगर आपका चयन हुआ है, तो आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने, कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए होंगे, और साथ ही फ्रेंड्स इसका जो न्यू पोस्टिंग पोर्टल है उसमें आप किस प्रकार से जो है आईडी बना सकते हो और किस प्रकार से जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, इन सब के बारे में कंप्लीट से डिटेल में हम बात करने वाले हैं। इन सब के बारे में कंप्लीट डिटेल से हम जानने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो का जो एंड तक जरूर बने रहेगा। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रिट से रिलेटेड या इस भर्ती से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन आपको, अगर मैं इसमें जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपको जो है चेकलिस्ट, वो जिस प्रकार से एक चेकलिस्ट आती है वो आपको किस प्रकार से जो फिलअप करनी है, तो इसकी भी जो डिटेल है, इसकी भी जो कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो के लास्ट तक आपको दे दूंगा कि आपको किस प्रकार से जो है चेकलिस्ट भरनी है, और साथ ही आपको जो है कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं, जैसे कि आपको चरित्र सर्टिफिकेट हो गया या फिर आपको घोषणा पत्र हो गया, तो आपको किस प्रकार के जो प्रारूप में आपको बनाना है, तो कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना रखी है, और इन सब डॉक्यूमेंट्स को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इनका लिंक मैं आपको सब प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता दूंगा कि कहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकोगे और कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवाने हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले बात करें कि न्यू पोस्टिंग पोर्टल पे आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो आपको आ जाना है न्यू पोस्टिंग पोर्टल पे। तो इसका लिंक है फ्रेंड्स, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से विजिट कर सकते हो या फिर वहाँ से जो है इसमें लॉगिन कर सकते हो, या फिर आप किसी भी ब्राउजर में आना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है न्यू पोस्टिंग पोर्टल, तो ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट इसकी आ जाएगी। फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हो, आप अपने मोबाइल में भी इस पर लॉगिन कर सकते हो और जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपने मोबाइल में भी अपलोड कर सकते हो। सिंपल सा प्रोसेस है फ्रेंड्स, आपको किसी प्रकार का कोई ज़्यादा इसमें लफड़ा नहीं, आपको जो है ओनली अपने डॉक्यूमेंट्स की जो साइज़ है वो आपको 200 KB से कम के रखने और PDF साइज में आपको डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने या उसकी जो फोटो ले लेने, तो यहाँ पे आपको आ जाना है न्यू पोस्टिंग पोर्टल पर। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप जो है क्लियर करने होते हैं, पहला रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में लॉगिन, और तीसरा जो होता है वो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, उसके बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए भेज दिए जाएंगे और वो वेरीफाई होंगे। तो सिंपल सा प्रोसेस है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, तो आपको जो है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपको पंजीकरण की प्रक्रिया वाला एक पॉपअप शो होगा, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी कि आप किस प्रकार से जो इसमें आवेदन कर सकते हो, कौन कौन से आपको सावधानी रखनी है और कौन कौन से जो आपको इसमें स्टेप दिए हुए हैं। तो आपको इस बात का थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वही लगाना है जो आपने काउंसलिंग के टाइम में यूज किया था, तो थोड़ा सा यही बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बाकी आपको यहाँ ज़्यादा प्रोसेस नहीं। और एप्लीकेशन नंबर की बात करें तो आपने जब काउंसलिंग के टाइम में अपना फॉर्म फिलअप किया था SSO ID के माध्यम से, यानी कि स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल में, तो आपने जो आवेदन फॉर्म सबमिट किया था उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर दिया होगा, तो वही एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ आप क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है अपने एप्लीकेशन नंबर, तो एप्लीकेशन नंबर आपको कौन से यूज़ करने, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ आपको रिट वाला जो इस प्रकार से आपने जो काउंसलिंग के टाइम में आपने जो भी फॉर्म आपको मिला था या आपने जो भी फॉर्म प्रिंट करवाया था, यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो ये वाले आपको यहाँ से कॉपी करना है और इनको कॉपी करके आपको जो इसमें एंटर करना है, तो यहाँ पे आपको वो वाले नंबर एंटर करना है, उसके बाद में यहाँ आपके पर्सनल मोबाइल नंबर जिस पे आपको सूचना मिल जाएगी, उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद में यहाँ पे एक कैप्चर कोड आपको एंटर करके रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पर अपने जो कंप्लीट डिटेल है वो फिलअप कर लिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में कैप्चर कोड, तो आपको एक बार जो अपने फॉर्म में से अपनी डिटेल वेरीफाई कर लेने, उसके बाद में आपको सिंपल सा जो है रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपका जो मोबाइल नंबर है और जीमेल आईडी, उसमें एक OTP सेंड किया जाएगा, तो यहाँ पे आपको मैसेज शो हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज शो होगा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो आपके मोबाइल नंबर पे जो OTP आपको प्राप्त हुआ, आपके जो जीमेल आईडी पे आपको जो OTP मिले वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो आपको जो अपने जीमेल आईडी और अपने मोबाइल नंबर में से चेक करके आपने जो भी OTP आपको उसमें मिले हैं वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो OTP एंटर करने के बाद में सिंपल सा आपको यहाँ वेरीफाई वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके जो जीमेल आईडी और आपका जो मोबाइल नंबर उसमें आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेंड किया जाएगा, तो आपको जो है यहाँ पे मैसेज भी शो हो जाएगा,
तो आपको वहाँ से चेक कर लेना। और साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है कुछ नोटिफिकेशन या कुछ सूचना दी हुई है तो उनको अच्छे से रीड कर लेना। आपको जो आईडी और पासवर्ड आपको सेंड किए गए थे उनको आपको सिक्योर रखना है, और किसी को आपको उनको साझा नहीं करना है, क्योंकि आप जो है अपनी डिटेल या आपने जो भी भविष्य में आप कभी भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो या आपने स्लॉट की जो सूचना देखना चाहते हो तो वो आप उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप जो है उसमें लॉगिन कर पाओगे। और अगर फ्रेंड्स आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके आपकी जो डिटेल को चेंज कर देता है, या फिर आपके साथ में कोई धोखाधड़ी कि अगर कोई केस अगर कोई कर देता है, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स के साथ में अगर कोई खिलवाड़ कर देता है आपसे डॉक्यूमेंट्स आपके जो आईडी और पासवर्ड लेके, तो उनके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो ये जो डिटेल यहाँ पे आपको दे रखी थी आपको इनको अच्छे से रीड कर लेना, और अपने आईडी और पासवर्ड को आपको सिक्योर रखना है। पासवर्ड आपको यहाँ पर चेंज कर लेना है, आपको जो भी पासवर्ड मिले हैं वो आपको चेंज कर लेना है, आपके जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो वो आपको वहाँ पर रखना है। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। तो यहाँ पर आपको मैसेज में शो हो जाएगा कि यहाँ पे आपकी जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे सेंड कर दी गई। तो यहाँ पे आपको अपने ईमेल आईडी को जो है ओपन करके चेक कर लेना है कि आपके जो आईडी और पासवर्ड इसमें आई है या नहीं। अगर आपके ईमेल और आईडी और पासवर्ड आपको नहीं आती है तो आपको जो है 5-10 मिनट यहाँ पे वेट करना होता है, उसके बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है टीचर रिक्वायरमेंट 2021। तो इस प्रकार से जो आपको जीमेल आईडी पे मैसेज भी प्राप्त हो जाएगा और यह मैसेज आपको मोबाइल पर भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो आपको है इस प्रकार से जो आईडी और पासवर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आपको आईडी और पासवर्ड कॉपी कर लेना है, और इनको कॉपी करके आपको वापस आ जाना है न्यू पोस्टिंग पोर्टल के डैशबोर्ड पर। तो यहाँ पे आपको जो है वापस से आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे आपको जो फ्रेंड्स एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एप्लीकेशन लॉगिन, तो जो है इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आपके जो आईडी और पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको अपनी आईडी एंटर करना है, उसके बाद में सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको जो है अपने पासवर्ड एंटर करने हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स जो है आपको जो ये कैप्चर कोड दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे आपको कैप्चर कोड को जो है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके या एंटर करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप जो है आपके जो न्यू पोस्टिंग पोर्टल है उस पर आप लॉगिन हो जाओगे। तो हमने कंप्लीट डिटेल यहाँ पे अपने एंटर कर लिए, उसके बाद हम सीधा लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। न्यू पोस्टिंग पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद में आपको जो है कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड शो होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक मैप शो होगा कि आपने जो है अपना इसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया है या नहीं, आपने जो इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं या फिर नहीं। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए तो यहाँ येस वाला ऑप्शन शो होगा। उसके बाद में आपको जो है स्लॉट दिया गया है या नहीं, तो यहाँ पर भी आपको उसकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। अगर आपको स्लॉट बुक नहीं हुआ तो आपको जो है नो ऑप्शन शो होगा। उसके बाद में यहाँ आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए हैं या नहीं, तो उनकी जो डिटेल है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो आपको यहाँ पे मैप्स होगा उसके बाद में आपको ऊपर आना है और यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेंट प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। तो आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको वह डिटेल्स शो होगी जो आपने SSO ID के माध्यम से काउंसलिंग के टाइम में आपने अपना फॉर्म फिलअप किया था। तो मैंने यहाँ अपनी प्राइवेसी के लिए इनको थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो कोई डिटेल चेंजेज नहीं करनी, यहाँ पे आपको ओनली जो है डिटेल्स देखने को मिलेगी कि आपने जो काउंसलिंग के टाइम में कौन कौन सी डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन की थी, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो ये आपको देखने को मिलेगी। तो आप इनको चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला, तो आपको जो है इस पर क्लिक करना है। तो आपको जो है इस प्रकार से जो डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाते हैं कि आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और किस प्रकार से जो आपको अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है वेरिफिकेशन का स्टेटस भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वेरीफाई हुए हैं या नहीं, तो उनका स्टेटस भी आप यहाँ से बाद में चेक कर पाओगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आपको ओनली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी, आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो आपको यहाँ पे 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो 12th की मार्कशीट, उसके बाद में जो रिट की डीएलएड की डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट आपको जो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में नहीं है वो आप उनको ब्लैंक छोड़ सकते हो। तो पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने कर रखा है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, अन्यथा उनको छोड़ सकते हो। उसके बाद में बीएड वाला जो है वो आपको नहीं अपलोड करना। उसके बाद में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो अपलोड कर सकते हो, उनको छोड़ सकते हो। उसके बाद में अगर आप दिव्यांग श्रेणी से हो तो आपको जो है अपनी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आपके पास में हो तो अपलोड करना है, अन्यथा इस चीज़ को आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। उसके बाद में अगर आपने जो विधवा कोटे से आवेदन किया है तो यहाँ पे आपको आपके हस्बैंड का जो है डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अन्यथा इसको भी छोड़ सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आया डिवोर्स सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर आपने जो डिवोर्स सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं है तो आप इस चीज़ को जो है छोड़ सकते हो। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर आप जो है सरकारी कर्मचारी हो तो आपको जो है यहाँ पे पेंशन का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है।
उसके बाद फ्रेंड्स आप बात करते हैं यहाँ पे टीएसपी एरिया की। तो अगर आप टीएसपी एरिया से हो तो यहाँ पे आपको जो है वहाँ का मूल निवास आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद में अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है कंप्लीट इस प्रकार से जो है डिटेल आपको देखने को मिल जाती है कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और किस प्रकार से जो आप अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप कम्प्लीट एक एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपको करके दिखा देते हैं कि किस प्रकार से जो आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले अगर हम फ्रेंड्स बात करें तो जो 10th का सर्टिफिकेट मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगा कि तो किस प्रकार से जो आपको अपनी फाइल में से अपलोड करना है, तो यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो हम यहाँ पे जो है 10th का सर्टिफिकेट सबसे पहले अपलोड करने वाले हैं। आपको यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आप जो इस प्रकार से गैलरी में आ जाना है। आपने जहाँ पर भी अपने डॉक्यूमेंट सेव कर रखे, आपने जिस भी फोल्डर में अपने डॉक्यूमेंट सेव कर रखे, तो वहाँ से आपको जो है अपना मार्कशीट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ 10th की मार्कशीट सेलेक्ट किए तो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपको यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जो है इसका कंप्लीट मैसेज शो होगा। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इस आइकन पे क्लिक करके इसमें बदलाव कर सकते हो, अपना डॉक्यूमेंट चेंज कर सकते हो। और साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है व्यू वाला ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक करके अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसका प्रीव्यू चेक कर लेना कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट अपलोड हुआ है या नहीं, उसकी जगह कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड तो नहीं हो गया। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में इसी तरह से आपको 12th का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, तो यहाँ अपलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद में आपको गैलरी से अपना जो 12th का सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है और सेम इसी जो प्रोसेस में आपको जो है अपलोड कर देना है। तो इसी प्रकार से जो आपका 12th का सर्टिफिकेट भी अपलोड हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से आपको जो इस कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो हम यहाँ पे जो है अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद में आगे का जो प्रोसेस है वो समझेंगे। तो हमने जो है यहाँ पर अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने 10th की मार्कशीट, 12th रिट की मार्कशीट, डीएलएड की मार्कशीट, उसके बाद में डोमेसल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट और यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन की डिग्री अपलोड कर लिए। तो मेरे पास जो ये डॉक्यूमेंट थे तो मैं फर्स्ट लेवल के लिए एलिजिबल हूँ, तो इस प्रकार से जो मैंने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। उसके बाद में जो है मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री इसमें नहीं लगाई, उसके बाद में बीएड की स्पोर्ट का सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं थे तो मैंने इसको खाली छोड़ दिया। तो आप भी अगर आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, अन्यथा उनको छोड़ सकते हो। और साथ ही फ्रेंड्स अगर हम यहाँ बात करें तो जो है आपको डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। उसके बाद में जो इनकी जो साइज है वो आपको 200 KB से कम की आपको रखनी है। उसके बाद में आपके जो आप जब भी वेरिफिकेशन के लिए जाओ तो आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जो उसकी फोटोकॉपी लेके जाने हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है वेरिफिकेशन स्टेटस जो शो होगा वो फाइनल स्टेटस नहीं होगा, आपको जो है फिजिकली भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो इस प्रकार से जो आपको एक बार कंप्लीट अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लेने और इनका प्रीव्यू यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है, या फिर फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना तो यहाँ पे आपको व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन शो होगा। तो इस पर क्लिक करके आप जो है कंप्लीट अपने डॉक्यूमेंट्स का प्रीव्यू आप यहाँ पे देख पाओगे। तो आपको जो है कंप्लीट एक बार अच्छे से अपने जो डॉक्यूमेंट्स का प्रीव्यू वो आपको चेक कर लेना है। तो इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करके आपको कंप्लीट अपना जो हर एक डॉक्यूमेंट है उसका प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक बार आपको जो अपलोडेड हर डॉक्यूमेंट्स का प्रीव्यू आपको चेक कर लेना है। तो इस प्रकार से जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड का जो है ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा स्लॉट डिटेल, तो आपको जो है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको जो जिस दिन आपको आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो यहाँ पे जो आपको उसकी जो डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में ये डिटेल यहाँ पे आपको शो होगी, तो अभी आप इसमें कुछ भी शो नहीं होगा। तो स्लॉट डिटेल को आपको चेक करते रहना है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टेटस आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपके अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो जिस स्टेप में आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे तो उसका जो स्टेटस आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टेटस पे आप चेक कर सकते हो। और अगर आपका जो फॉर्म है कोई रिजेक्ट कर दिया जाता है उसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो कंप्लीट स्टेटस आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो कि आप कब कब आपने जो इसमें लॉगिन किया है, और आप जो है यहाँ पे कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको देख सकते हो। आपको जो है ईमेल आईडी और एसएमएस के थ्रू भी आपको जो सूचना दे दी जाएगी कि आपको किस दिन जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ कंप्लेंट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप जो है अगर आपको किसी प्रकार कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो आप फ्रेंड्स आप अपने जो साला दर्पण के न्यू पोस्टिंग पोर्टल है उसमें आप लॉगिन कर सकते हो, उसमें अपनी जो डिटेल आप एंटर कर सकते हो और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर सकते हो। तो आपको जो है 5 तारीख से 10 तारीख के बीच बीच में जो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं, उनको वेरिफिकेशन के लिए भेजना है। और बाद में भी आपको जो है इसमें लॉगिन करके चेक करते रहना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हुए हैं या नहीं।
तो कंप्लीट डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने यहाँ पर जो है विस्तार से फुल डिटेल ले आपको समझाया कि किस प्रकार से आपको लॉगिन करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं और क्या क्या जो है आपको घोषणा पत्र बनवाने हैं और कितने घोषणा पत्र आपको बनवाने हैं और चरित्र प्रमाण पत्र और इनका जो फॉर्मेट वो क्या रहेगा, और साथ ही फ्रेंड्स आप जो है किस प्रकार से जो चेकलिस्ट को फ्लिप कर सकते हो या इसको जो भर सकते हो और इसको भर के आपको लेके जाना है, तो कंप्लीट में आप आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको जो है सेल्फ डिक्लेरेशन और आपराधिक रिकॉर्ड न होने का घोषणा पत्र, आय का घोषणा पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आपको दो बनवाने और एक आपको कॉलेज से मिला होगा, तो कुल मिला के तीन चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाने। उसके बाद में आपको दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा पत्र आपको जो है 50 रुपये के स्टाम्प में बनवाना है। उसके बाद में आपको जो मूल निवास के संबंध में सब घोषणा पत्र आपको 50 रुपये के स्टाम्प में बनवाना है। उसके बाद में आपको सब घोषणा पत्र बनाना है शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में, तो ये भी आपको 50 रुपये के स्टाम्प में बनाना है। और आपको एक जो आपराधिक रिकॉर्ड न होने का जो सब घोषणा पत्र है वो भी आपको 50 रुपये के स्टाम्प में बनवाना है। तो इनका जो प्रिव्यू है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर हम सब घोषणा पत्र की बात करें मूल निवास के संबंध में, तो इस प्रकार से जो है आपको इसका प्रिव्यू देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है अपना नाम, फादर्स नेम और आपका जो निवास स्थान है उसका नाम एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि राजस्थान का निवासी हूँ और शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि इस तारीख के अंतर्गत जो मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ है, इसमें जो मेरा चयन हुआ है, तो मैं अपने जो दस्तावेज उनकी सत्यापन या पात्रता जांच है तो जारी शॉर्ट लिस्ट में नाम सम्मिलित है, तो घोषणा करता हूँ कि मैं और मेरे पूर्वज राजस्थान के मूल निवासी हैं। यह मेरा मूल पता है, यानी कि आपका पता यहाँ पे आपको एंटर करना है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि मैं और मेरा परिवार वर्तमान समय से इतने समय तक जो है यहाँ आपने राजस्थान के मूल निवासी हो यहाँ पे निवास कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको हस्ताक्षर कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है डेट और स्थान आपको एंटर कर देना। उसके बाद में यहाँ सब सत्यापन वाला ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे भी आपका नाम एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपका नाम एंटर करना है और 50 रुपये के स्टाम्प में आपको इसको प्रिंट करवाना है और इसको एक नोटरी भी करवा लेने। उसके बाद में अगर हम दूसरे घोषणा पत्र की बात करें तो यह आ जाता है सब घोषणा पत्र शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में, तो इसको भी इसी प्रकार से आपको फिलअप करना है। और इनको किस प्रकार से फिलअप करना है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के, कि आपको किस प्रकार से तैयार करवाने हैं, तो कल उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी इसमें जो मैं आपको प्रिव्यू शो करवा देता हूं, तो इस प्रकार से जो आपको ये वाला जो प्रारूप है आपको जो है इसका बनवाना है। उसके बाद में आपको दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा पत्र ये भी आपको 50 रुपये के स्टाम्प में बनवाना है, तो सेम इसी प्रकार से जो है ये वाला जो घोषणा पत्र है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में चरित्र प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट वो कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे आपको अपना फोटो लगवा लेना है और यहाँ पे आपको अपना नाम, फादर नेम, आपको निवास स्थान और यहाँ पे आपको दिनांक लगा देने। और उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है आप जिस भी अधिकारी से या जिस भी सरकारी कर्मचारी से आप चरित्र प्रमाण वेरीफाई करवाते हो उसके हस्ताक्षर और सील यहाँ पे आपको लगवाने। तो ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है आपको दो बनाने और एक आपका कॉलेज का हो गया, तो तीन चरित्र प्रमाण पत्र आपको तैयार करवाने। उसके बारे में अगर हम बात करें कि आय का जो घोषणा पत्र है वो कितने पेज का होगा, तो उसका प्रारूप आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो प्रारूप है वो आपको 4 पेज में यहाँ पे आपको बनवाना है। तो इसका जो लिंक है मैंने इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसको प्रिंट करवा के आप अपना जो आय का घोषणा पत्र वो बनवा सकते हो। तो 4 पेज का जो है आपको आय का घोषणा पत्र आपको बनवाना है और इसको नोटरी करवाना है। उसके बारे में फ्रेंड्स आपको जो है एक घोषणा पत्र 50 रुपये के स्थान में और बनाना है आपराधिक रिकॉर्ड न होने का घोषणा पत्र, तो इसमें जो है आपको कंप्लीट देखने को मिल जाता है। तो आपने कंप्लीट डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है, 50 रुपये के स्थान में प्रिंट करवाना है और नोटरी आपको करवानी है। तो यह जो घोषणा पत्र आपको बनाना और इस प्रकार से जो आपको ये रट का जो आपने काउंसलिंग के टाइम में आपने आवेदन किया था उसका जो फॉर्मेट है वो आपको इसको भी प्रिंट करवाना है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम फ्रेंड्स बात करें चेक लिस्ट की, तो इसको आपको किस प्रकार से फिलअप करके लेके जाना है और इसकी कितनी प्रिंट करवानी है, तो फ्रेंड्स इसकी एक आपको प्रिंट आउट निकलवाने हैं। तो इसको आपको किस प्रकार से फिलअप करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाएगा आवेदन सत्यापन का जिला, तो यहाँ पे आपको अपने जिले का नाम एंटर कर देना है। जिले का नाम एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपको सूची क्रम संख्या, तो आपका जो मेरिट लिस्ट में जिस लिस्ट में आपका नाम आया था फर्स्ट लिस्ट में, तो वो मेरिट लिस्ट नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो फ्रेंड्स आपका जो शॉर्ट लिस्ट यानी कि मेरिट लिस्ट निकले तो उसमें आपका जितने नंबर पे क्रमांक था तो वो मेरिट लिस्ट का नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप जिस भी क्षेत्र से हो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में आपको आधार नंबर, उसके बाद में आपको आवेदन क्रमांक, तो आपने काउंसलिंग के टाइम में जो फॉर्म फिलअप किया था उसके आवेदन क्रमांक यहाँ पे आपको एंटर करना है।
उसके बाद में यहाँ पे आपका नाम, माता का नाम, यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर करना है से। उसके बाद में यहाँ पे आपको फादर का नाम आपको एंटर करना है। उसके बाद में फ्रेंड्स आप जिस भी लेवल के लिए एलिजिबल हो उस पर आपको टिक करना है। तो अगर आप लेवल प्रथम के लिए हो तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से टिक करना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी और आवेदन शुल्क की जो आपको राशि लगी थी वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि किस प्रकार से जो आप इस चेक लिस्ट को फ्लिप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दस्तावेज प्रमाण पत्र देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको अभ्यर्थी के उपयोग तो देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन देखने को मिल जाता है सत्यापन दल के उपयोगार्थ है। तो उसके बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है पात्रता जांच दल के उपयोगार्थ है। तो फ्रेंड्स इन दोनों ऑप्शनों को आपको जो है आपको खाली छोड़ देना, इनमें आपको कोई एंट्री नहीं करनी। एक तो सत्यापन दल का प्रयोग उपयोगार्थ है तो, और एक पात्रता जांच दल के है। तो इन दोनों जो ऑप्शन है आपको जो किसी डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे इनको आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना, इनको आपको खाली छोड़ना। ये जो आपके अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे उनके लिए है, तो उनको आपको छोड़ देना। अब उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है अपनी एंट्री करनी है। तो यहाँ किस प्रकार से एंट्री करनी है, तो सबसे पहले अगर हम एक नंबर के ऑप्शन पे देखने को मिलेगा ऑनलाइन आवेदन की प्रति, तो आपको जो है अपना ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म आपने प्रिंट करवाया है उसको आप कितने नंबर पे रखते हो। अगर आप एक नंबर पे रखते हो तो यहाँ पे आपको एंटर करना है एक, और उसके बाद में यहाँ पे आपको हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो अगर आपने जो है यहाँ पे उसके साथ में संलग्न किया है तो यहाँ पे आपको हाँ लिखना है। और उसके बाद में फ्रेंड्स अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पे आपको ना लिखना है। तो इस प्रकार से जो हाँ या नहीं में इस वाले कॉलम में फिलअप करना है, और इस वाले कॉलम में आपको संख्या एंटर करनी है। तो आपने जो आधार कार्ड की प्रति यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, तो कितने क्रम में आप आधार कार्ड की जो प्रति है वो आप डॉक्यूमेंट्स के साथ संलग्न करते हो। माना कि मैंने आधार कार्ड की नंबर 4 नंबर पर रखी है तो यहाँ पे आपको 4 नंबर एंटर करना है। आपको जो इस वाले क्रम से कोई लेना देना नहीं रखना, आपको ये क्रम का कुछ विशेष ध्यान नहीं रखना। आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए हैं उनका जो क्रम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि अगर हम 10th की मार्कशीट की बात करें तो मैंने 10th की मार्कशीट यहाँ पे अगर 3 नंबर पे रखता हूँ तो यहाँ पे आपको 3 नंबर लिखना है, अन्यथा अगर आप इसको 6 नंबर पे रखोगे तो यहाँ पे आपको 6 लिखना है। आपको इस वाले क्रम का कोई विशेष महत्व नहीं रखना है। आपको जो है यहाँ आप जिस भी क्रम में अपना डॉक्यूमेंट्स रखते हो वो क्रम आपको यहाँ पे रखना है, और आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं हो उनको आपको छोड़ देना है, उन पे आपको नो लिखना है, और इनको जो आप इस प्रकार से ब्लैंक छोड़ कर सकते हो। जैसे आपके पास में स्नातक की जो डिग्री आप नहीं लगाते हो तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से ये कर देना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको नहीं लिख देना है। तो इस प्रकार से जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं हो उनकी एंट्री आपको करनी है। तो यहाँ पे आपको जो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उनकी आपको एंट्री करनी है, और इधर वाली जो एंट्री है यानी कि सत्यापन दल के प्रयोगार्थ है तो, और पात्रता जांच दल के उपयोगार्थ है तो ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में वो जो अधिकारी बैठेंगे वो इनको फिलअप करेंगे, तो आपको जो इनको फिलअप नहीं करना। तो ये जो है इस प्रकार से आपको इसकी जो चेक लिस्ट को आपको फिलअप करना है। तो आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वही आपको जो यहाँ पे उसकी घोषणा करनी है, उसकी हाँ या नहीं, और उसकी क्रम संख्या में आपको एंटर करना। जैसे संतान संबंधी सब घोषणा पत्र, तो मैंने इसको 8 नंबर पे रखा है तो मैं यहाँ पे जो है 8 नंबर एंटर करूँगा, अन्यथा अगर आप इसको 7 नंबर पे क्रम में रखते हो तो यहाँ आपको 7 एंटर करना है। आपको इस वाले जो क्रम का आपको कोई ये नहीं रखना, आपको यहाँ पे क्रम लिखना है, और उसके बाद में अगर आपने संलग्न किया है तो यहाँ पे हाँ लिखना है, अन्यथा यहाँ पे आपको ना लिखना है। तो इस प्रकार से जो आपको चेक लिस्ट को भरना है और इस प्रकार से जो इसकी एंट्री करनी है। उसके बाद में एक जो है सब घोषणा पत्र आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाता है, तो ये मैंने उधर नहीं बताया था। तो इसको आपको जो है नॉर्मल पेज पे आपको प्रिंट करवाना है। अगर आप इसको 50 रुपये के स्टाम्प में भी प्रिंट करवाना चाहो तो करवा सकते हो, अन्यथा आप इसको जो है नॉर्मल पेज में आप प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल डिटेल देनी है कि आपके जीवित बच्चों की संख्या कितनी है, 2002 से पहले कितने हैं, 2002 से बाद में कितने। तो अगर आप अनमैरिड हो तो यहाँ पे आपको 00 लिखना है, और अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे आपको जो संख्या इसमें लिखनी है। तो इस प्रकार से जो आपको संख्या लिखनी है, और टोटल संतानों की संख्या यहाँ पे आपको लिखनी है। उसके बाद में अगर आपके कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसकी संख्या यहाँ पे आपको एंटर करनी है हाँ या नहीं में, और अगर गोल लिया हुआ है तो उसकी आपको हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो इस प्रकार से जो आपको ये डिटेल मेंशन करने, उसके बाद में यहाँ पे आपको दहेज नहीं लेने संबंधी जो घोषणा है तो वो आपको करने, तो आपको जो है दहेज की मांग की गई थी या नहीं की गई थी तो वो आपको जो इसकी घोषणा करनी है। उसके बाद में अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो वो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, और ये जो है आपको घोषणा करनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना नाम, उसके बाद में आवेदन संख्या, अपना जो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद में डेट, नाम
ये आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो इस प्रकार से जो आपको ये घोषणा पत्र भी आपको प्रिंट करवाना है। अगर आप इसको 50 रुपये के स्टाम्प में प्रिंट करवाना चाहो तो करवा सकते हो, अन्यथा इसको सादा पेज पे भी आप प्रिंट करवा सकते हो। बाकी जो मैंने 4 जो घोषणा पत्र बताए थे उनको आपको जो है 50 रुपये के स्टाम्प में आपको प्रिंट करवाना है। तो एक बार वापस से आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स आपको ये प्रिंट करवाने। तो ये एक सब घोषणा हो गया। उसके बाद में इस प्रकार से देय नहीं लेने संबंधी चरित्र प्रमाण पत्र, आय का जो घोषणा पत्र, आपराधिक रिकॉर्ड और रिट वाला, तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको कंप्लीट तैयार करवाने हैं। और इनका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आप जो है टेलीग्राम पे मुझे, यहां पे आपको जो टेलीग्राम आईडी शो हो रही होगी, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जो है ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। या फिर अगर आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एक कमेंट में पिन कर दूंगा, तो मैं इनका जो लिंक है इनको जो एक PDF बना के मैं आपको इनका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में जो है आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, इनको प्रिंट करवा सकते हो और अपना जो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करवा सकते हो। तो इस प्रकार से जो है आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाने हैं और अपना जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवाना। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको जो है रिट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई किसी प्रकार का कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो या फिर कोई किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, आप हमें कमेंट में बता सकते हो। आपके जो कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, आज ना सही कल, बाकी लेट हो सकता है, लेकिन टाइम से पहले आपका जो कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आपको आप जो प्यार है वो इस वीडियो पे आपको जरूर दिखाना, एक लाइक वाला बटन आपको प्रेस कर देना।